हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल शिव अकेडमी में। और बेटा, आपने 30 क्वेश्चन तक इससे पहली वीडियो में पढ़ लिए थे। और टॉपिक क्या चल रहा है आप बताओ जल्दी से, क्या चल रहा है? मिश्र समानुपात। और फॉर्मूला क्या था बेटा? M1H1D1 बटे W1 बराबर M2H2D2 बटे W2। इसको हमने क्या कर दिया बेटा, आपको इससे पहले आपको दो वीडियो मिल गई थी इसके चैप्टर की, और बड़े अच्छे तरीके से वन बाय वन क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं आपको, कोई क्वेश्चन नहीं छुड़वा रहे, सारे क्वेश्चन एक साथ लेके चल रहे हैं, क्वेश्चन छोटा हो या बड़ा। जो बच्चा इसी वीडियो पर आज पहली बार आया है तो बेटा मैं उनके लिए नॉलेज के लिए बता दूं, एम क्या है? कोई भी कार्य करने वाला होगा, मैन हो वो मैन हो, कोई भी हो, गधे हो घोड़े हो खच्चर हो कोई भी। एच क्या है? आवर है, घंटे हैं। डी क्या है? दिन है। और डब्ल्यू क्या है? कार्य है। ठीक है भाई, तो ये सारा का सारा दूसरे पक्ष में भी ये दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 30 तक आपने इससे पहले पढ़ लिए, क्वेश्चन नंबर 31 में, ठीक है भाई? वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 31 को ध्यान से समझना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और एग्जाम में भी आए हुए बेटा। यदि 18 पंप, तो 18 पंप क्या हुआ? एम हुआ। 18 पंप फॉर्मूले में, फॉर्मूला ऊपर लिखा है, क्वेश्चन याद कर रहा हूं। 7 घंटे कार्य करते हुए 2170 टन 10 दिन में निकाल सकते हैं। 7 घंटे कार्य करते हुए 10 दिन में 2170 टन, तो टन कितना है? कार्य है बेटा। अब उसने कहा है 16 पंप 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए कितने दिनों में 1736 टन पानी कितने दिनों में निकाल सकेगी? कुछ नहीं करना, बड़े प्यार से इसकी कटाई करनी, 0 से 0 बेटा, 9 दुनी 18 और बेटा 7 21 7 7 और 2 से कट गया बेटा ये 8 बार, काटना सीख लो मेरे साथ, और 8 से काट लो, 31 से 8 से कट लो इसे, जो कटता है तो सही, नहीं तो गुणा कर लेंगे। 8 दुनी 16 217 देख लिए, 8 दुनी 16 8 कम 8 8 7 56 8 7 56 और बेटा 31 से कितनी बार कटे गए? 7 बार। क्लियर है बेटा, ये 7 बार कटा, तो D2 क्या आ गया हमारा? 7 दिन में। क्लियर है, बात समझ आई? चेक क्वेश्चन नहीं की हो पर टेंशन ना ले, बिल्कुल भी बिल्कुल समझो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 32 पे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है? लाइक और शेयर तो आप जबरदस्त कर रहे हो, चैनल तो सब्सक्राइब तो आपने रिकॉर्ड तुड़वा दिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, इतने दिनों में इतना उठान कर दिया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है बेटा, और यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस वाले खासकर सुन लो बेटा, ये चैप्टर आपका बहुत ही अच्छा है, बहुत सारे बुकों में तो इसका नाम नहीं है, आप दूसरी बुकों में जाओगे तो नाम नहीं है, यहाँ ये क्या दिया हुआ है, एक अलग से टॉपिक बना के दिया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से बेटा। कह रहा है 5 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर 9 मीट्रिक टन कोयले की खपत करते हैं, सॉरी 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत करते हैं। फिर उसने कहा बेटा 8 इंजन 10 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहकर कितने कोयले की खपत करेंगे? बहुत अच्छी बात, कितने कोयले खपत करेंगे, जबकि पहले प्रकार के 3 इंजन उतनी खपत करते हैं जितनी दूसरी प्रकार के 4 इंजन। बेटा क्या है, पहले प्रकार के 3 इंजन ये भी उतना ही काम करते हैं, 3 इंजन है बेटा, जो दूसरी प्रकार के 4 इंजन। क्लियर है, ये दूसरी प्रकार के 4 इंजन है, उतना ही करते हैं, बराबर इक्वल है। तो अब क्वेश्चन ये भी आपके पास समझ होगी कि पहले जो 3 लोग हैं वो भी उतना ही राशन उठाते हैं, किसी शादी में जाते हैं, जितने बाद के या दूसरे 4 लोग। क्लियर होंगे बेटा। अब क्या है जो दिया हुआ, वहां वहां लिख देंगे, क्वेश्चन फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है उसे लिख देंगे। 5 इंजन है बेटा, 9 घंटे कार्य करते हुए कितना खाते हैं? 6 मीट्रिक टन खाते हैं। और इधर कह रहा है बेटा 8 इंजन 10 घंटे कार्य करते हुए, 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए कितने कोयले की खपत करेंगे? कितने कोयले की खपत करेंगे, मतलब आपसे W2 पूछ रहा है। उसने कह रहा पहली प्रकार के 3 इंजन है और दूसरी प्रकार के 4। क्लियर है, बात समझ आ गई? दोबारा समझ लो,
पांच इंजन 9 घंटे कार्य करते हुए 6 मिलीटन कोयला को खाते हैं, अगर दूसरी प्रकार के 8 इंजन 10 घंटे कार्य करते हुए कितना कोयला खाएंगे, कि यदि पहली प्रकार के जो पहले वो 3 खा रहे हैं, दूसरे 4 खा रहे हैं, बेटा 4 से कितनी बार, 2 बार, और बेटा जी 3 से 3 बार, 3 बार और 3 से 2 बार, 2 बार अब कट नहीं रहा है जी। अच्छा जी, बहुत बढ़िया बेटा, W2 बराबर बेटा ये कह रहे 5 × 10, बहुत अच्छी बात है, 2 × 4 40 कटवाता है, 5 × 10 बराबर, सॉरी भाई कोई बात नहीं, गलती होगी मेरे से, कोई नहीं बेटा, कितने कितने खाएंगे बेटा, 8 मिलीटन कोयले की खपत कर देंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो बेटा, 33 क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है 10 पाइप एक टंकी को 28 मिनट में भरते हैं, 10 पाइप एक टंकी को 28 मिनट में भरते हैं, 3 पाइप खराब हो गए। क्वेश्चन नंबर 33 देख लो बेटा, 10 पाइप है 28 मिनट में भरते हैं, 3 खत्म हो गए तो 7 बचे, वगैरह कितनी मिनट में भर जाएगी, मतलब आपसे H2 पूछ रहा है, क्लियर बेटा, 10 पाइप है बहुत अच्छी बात है, 28 मिनट में भरते हैं, 3 खराब होने पर टंकी कितने समय में भरेगी बेटा, 7 × 28 H2 बराबर 40 मिनट में, कोई टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर बेटा 34 देख लो, वो कह रहा है एक निश्चित लंबाई की रस्सी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन की परिधि पर 70 बार लपेटी जाती है, यह रस्सी 20 सेंटीमीटर की त्रिज्या के बेलन में कितनी बार लपेटी जाएगी बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहला मैं क्वेश्चन बता दूं आपको, एक रस्सी है, मान लिया एक रस्सी ली और इस पे 14 सेंटीमीटर की त्रिज्या की बेलन पे जो लपेटी जा रही है बेटा वो 70 बार लपेटी जा रही है, कितनी बार लपेटी जा रही है, 70 बार। अब यदि ये मान लो बेलन के आकार की आकृति है और 20 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक बेलन है, उस पर कितनी बार लपेटी जाएगी, वही रस्सी है तो बेटा वो कम बार लपेटी जानी चाहिए, ऐसा ही होगा, 14 सेंटीमीटर लंबी रस्सी है 70 बार लपेटी जा रही है, 20 × 12 कितनी बार लपेटी जाएगी बेटा, तो 0 से 0 2 से कितनी बार, 7 बार, 49 बार लपेटी जाएगी, क्यों लपेटी जाएगी, क्योंकि उसकी त्रिज्या क्या होगी, बड़ी होगी, इसलिए लपेटी जाएगी बेटा। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं बेटा, अब वो कह रहा है 35 क्वेश्चन, इससे पहले भी पढ़ा दिया था, इस टाइप के क्वेश्चन 35 देख लो बेटा, वो कह रहा है यदि 4.5 मीटर लंबी लोहे की एक समान छड़ का भार 4.5 × 17.1 किलोग्राम है, 17.1 किलोग्राम है, तो इसी प्रकार के 12 मीटर लंबी छड़ का भार कितना होगा, 12 मीटर लंबी छड़ का भार कितना होगा बेटा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर लो, किससे काट लो, 3 से काट लो, 3 से 4 बार और 3 से 3 × 3 15 बार, अभी कटेगा नहीं शायद, 3 से काट लो, 3 × 5 = 15 और 3 × 57 बार, 57 बार अभी कट नहीं रहा, W2 बराबर 57 × 4/5, W2 बराबर 7 × 28 और 5 × 20 और 2 × 22/5, 5 × 45.6 आ गया, ठीक है बेटा काट पीट कर लियो, मैंने भी कर दिया, वैसे करते नहीं हूं, कर दिया आपको, आगे बढ़ो बेटा, देखो लाइक और शेयर कर दो बेटा, ये टॉपिक अगला जो टॉपिक मिलेगा आपको वो ऐसा टॉपिक होगा, वो एग्जाम कोई सा भी हो आपका और बहुत ही अच्छा होगा, दिल्ली पुलिस वाले के लिए भी कार्य समय, और आप यदि पहले से पढ़े हुए हो या आपको पता है कंपटीशन के बारे में थोड़े घनी नॉलेज है तो आपको पता चल जाएगा कि वो जो टॉपिक है आपका कार्य समय बेटा बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है और हर किसी एग्जाम में आता भी है, इस टॉपिक का क्या है, आ भी जाता है नहीं भी जाता,
अभी 2014 का जब दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था तो अभी वो क्वेश्चन मुझे दिखाई दे रहा है, दो एक मिनट दो, बस वो उसी क्वेश्चन में पहुंचने वाला, अगला क्वेश्चन वही है। वो कह रहा है मानचित्र में यदि 0.8 सेंटीमीटर द्वारा वास्तविक दूरी 8.8 किलोमीटर को प्रदर्शित किया जाए तो बेटा 0.8/8.8 कितना प्रदर्शित किया जाए बराबर। वो कह रहा है यदि 80.5 सेंटीमीटर दूरी की वास्तविक दूरी क्या होगी, 80.5 की वास्तविक दूरी क्या होगी। बेटा पॉइंट से तो पॉइंट खत्म कर दो और 8 से कितनी बार काट दो, 11 बार, और W2 बराबर 80.5 गुणा 11, W2 बराबर बेटा 11×55 और 11×8=88। क्लियर हुआ, 11×8=88, 11×55 तो बेटा एक पॉइंट अहम यहां लग जाएगा 885.5। क्लियर बेटा, जो सैनिस क्वेश्चन है आप देख लियो, दिल्ली पुलिस वालों 2014 का पेपर उठा गए, 2014 में 3 बार परीक्षा हुई थी दिल्ली पुलिस की, आपने देखा होगा, और ये अभी नए बच्चे हैं तो उन्हें नहीं पता होगा। वो कह रहा है यदि 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बुने, 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बुने तो कह रहा है एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बुन पाएगी। तो बेटा मैं इसे बता दू, M1 क्या है, मकड़ी है 7, और D1 क्या है 7 दिन में, कार्य क्या कर रही, जाल बना रही बेटा। तो कह रहा है एक मकड़ी एक जाल को, M2 कितना दिया हुआ है 1 और W2 कितना दिया हुआ है 1, कितने दिनों में बुनेगी। क्लियर, यही बात चल रही है आपके 3 वीडियो के माध्यम से। बच्चे मना कर रहे थे, कुछ बच्चे कह रहे थे कि भैया इस टॉपिक को ना पढ़ाओ, पर मैंने इसलिए पढ़ा दिया जिससे और बच्चों का बेनिफिट हो जाए जिनका हाल फिलहाल में 2020-21 में एग्जाम होंगे, अभी फॉर्म आएंगे भरे जाएंगे। तो बेटा एक नंबर आपको संभावना है, एक नंबर पक्का, 7×7/7 बराबर 1×D2/1। क्लियर है बेटा, बहुत बढ़िया, 7 से 7 गया, 1 से 1 गया, D2 बराबर कितना आ गया 7। तो बहुत सारे बच्चों ने इसके उत्तर भी याद कर लिया था और आपके भी हो जाएगा, बस तरीका एक ही है जो मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से। बेटा कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत परेशानी हो जाए तो मुझे बताओ और कमेंट्स बॉक्स में लिख के बता दो, करो बहुत काम कर रहे हो, कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं, खैर ज्ञानी हो आप भी। क्वेश्चन नंबर 38 बेटा, वो कह रहा है यदि 7 औरतें 7 झाड़ों से 7 मंजिल को 7 घंटे में साफ करें। क्लियर है, सारा साथ ही साथ है, 3 औरतें 3 झाड़ों से 3 मंजिल को साफ करने में कितना समय लगेगी बेटा। 7 औरतें, देखो क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है, इससे ज्यादा मत लिखवाओ, ऑफलाइन या ऑनलाइन है। 7 झाड़ों से 7 मंजिल को, मंजिल यहां आएगा 7 घंटे में। वो कह रहा है 3 औरतें 3 झाड़ों से 3 मंजिल को कितने घंटों में साफ करेगी। H2 दूसरा 3 से 3 7 से 7 49/3 बराबर H2, यही आपका उत्तर है, यही से काट लियो बेटा 16×3=48 ऑप्शन नंबर D, ठीक है कर लियो। क्वेश्चन नंबर बेटा 39, ये भी ऐसे ही है, 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिनों में बुनते हैं तो 4×4/4 बराबर इसी गति से 8 बुनकर 8 दिनों में कितनी चटाई बुनेंगे। W2 पूछ रहा है, 4 से 4 गया 4×8, W2 बराबर आ गया 8×16। क्लियर है, ऐसे मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन है, समझ आ रहे होंगे, लाभ पहुंच रहा है तो लाइक और शेयर तो बनता है बेटा, फैला दो अपने भाई और बहनों में जितना भी आपको हो सके, कुछ आपके परिवारों में भी हाल फिलहाल में इंटर पास आए हैं बच्चे तो उन्हें भी बता दो, तैयारी दिल्ली पुलिस की या जो भी कर रही है वो उन बच्चों को पता होगा। यदि 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए किसी कार्य का 1/4 बार 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं,
किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बेटा पहले से सारे क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूं, M1 = 400, D1 = 10 दिन में, W1 = 1/4 भाग और H1 = 9 घंटे। बेफालतू का काम कर रहा हूं, डायरेक्ट भी लिख सकता था पर इसलिए ना लिख रहा क्योंकि हर बच्चे को समझ आ जाना चाहिए। वो कह रहा है कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाए कि वे सभी 8 घंटे, H2 = 8 घंटे पर दिन कार्य करके शेष कार्य को बेटा W2 3/4। ये बात समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन आपको पूरा लिखा और D2 = जो है आपका 20 दिनों में समाप्त कर दे। तो बेटा शेष कार्य को, कुछ क्वेश्चन में शेष कार्य का कार्य का रोल नहीं होगा, कार्य W2 ही दिया होगा, W1 उसने खत्म ही कर रखा होगा या नहीं दे रखा होगा। उसने कह दिया 1/4 कार्य को और फिर शेष कार्य को, बेटा टोटल कार्य 4 है, एक कार्य हो गया तो शेष कितना बचा? 3 बचा ना, तो शेष कार्य 3/4। इससे पहले मैंने आपको समझा भी दिया, अभी हमारे यहां उठा उठा कर रख दो, 400 × 9 × 10/1/4 बेटा M2 × 20 × 8 या 8 × 20 / 3/4। 4 से 4 खत्म कर दो और बेटा 10 से 2 बार 3 8 × 40 बेटा जी 8 × 5 = 40 और 2 से 25 बार और 25 × 3/M2 25 से 75 और 2 × 3 = 6। क्लियर हो गया भाई? अब वो कह रहा है 200 कितना आ गया, 675 आ गया टोटल, हमारे पास कितने थे पहले 400, तो 400 इसमें से माइनस कर दो तो कितने बचेंगे 275। अतिरिक्त कितने मजदूर लगाए 275। क्लियर है बेटा? गर्मी हो रही देख लो भाई, गर्मी में आपके लिए पढ़ा रहा, अब आप पढ़ो ना पढ़ो आपका भाग्य। क्वेश्चन नंबर बेटा 41 इसे रख कर दो। बड़े अच्छे क्वेश्चन 41, बहुत बढ़िया क्वेश्चन चल गया बेटा। 41 क्वेश्चन देखो बहुत बढ़िया है, 60 व्यक्ति को कोई कार्य 62 दिन में समाप्त करना था 60 व्यक्ति को 32 दिन बाद। बेटा जी M1 = 60 व्यक्ति आए और यहां लिखा हूं 62 दिन में उन्होंने कह दिया ठेकेदार ने ठेका दे दिया, 62 दिन में तू ये कार्य कर दे, 32 दिन तक मिलकर उन्होंने कार्य किया। बेटा 32 इसमें से माइनस कर दो तो 30 बचेंगे, 30 दिन उन्हें करना है कुछ होगा इसमें। वो कह रहे हैं कार्य का 2/3 भाग समाप्त हो गया कितने दिन में, D1 = 32 दिन में। क्लियर बेटा? और कार्य का W1 कितना होगा 2/3 भाग, मतलब 3 किलोमीटर की सड़क थी, ऐसे समझ लो 60 व्यक्ति थे, उन्हें 62 दिन का ठेका दे दिया ठेकेदार ने, उन्होंने 32 दिन में, मतलब सड़क जो थी 3 किलोमीटर की थी, 32 दिन में 2 किलोमीटर की सड़क बना दी तो 1 किलोमीटर की बची, तो शेष कार्य बचे W2 आपका 1/3। ठीक है भाई, शेष कार्य 1/3, कार्य को कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी बेटा, D2 कितना होगा 30 होगा और M2 हमारे से क्या है वो पूछ रहे हैं। क्लियर है? बहुत अच्छी बात है, कुछ नहीं करते हैं बेटा। 60 × 32/2/3 = M2 × 30/1/3, 3 से 3 और ये बेटा 60 से 60 गया, इससे 30 बार और 30 से 30 एक बार बेटा। ठीक है, तो M2 कितना हो गया आपका 32, तो कितने व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी 32। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नहीं समझ आ गया होगा, यदि समझ नहीं आया तो दोबारा से वीडियो को देख लो और कर लो। क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 42, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। वो कह रहा है एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया,
एक ठेकेदार है उसने कह दिया 40 दिन में तुझे ये काम करना, ठेका ले लिया। उसने प्रारंभ में 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए, प्रारंभ में 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए, 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगा दिए। बेटा जी नु समझ लो 35 व्यक्ति थे, 100 रुपए उन्हें मिले तो उन्हें कितने मिले 3500 रुपए मिले, ठीक है भाई। 40 दिन में लिया था, 35 दिन वो काम कर लिया तो कितने बचे 5 बचे। अब 100 लगा दिए तो 100 और 100 200, तो कितना कर लिया 1000 काम उन्होंने कर लिया, 1000 रुपए उन्होंने कमा लिए, तो टोटल कितने कमा लिए बेटा 4500। और कमाने थे 4000, क्लियर है। कमाने कितने थे 4000। एक ठेकेदार ने 40 दिन में कार्य करने का ठेका लिया, 100 लगाए तो 4000 हो गए बेटा, पर ये कितने कमेदार है 4500। अब उसने एक बहुत अच्छी बात लिखी, उसे समझो, ये वो कराए, यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति कार्य तो नहीं करता तो ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता। बेटा 100 से भाग कर दो तो कितने दिन आएंगे 45 दिन, 45 40 में से घटा दो, 45 में 40 घटा दो तो 5 दिन अतिरिक्त लगते। कब लगते, जब वो इन 100 व्यक्तियों को कार्य पर नहीं रखता, जब वो इन 100 व्यक्तियों को कार्य पर नहीं रखता। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये पेपर में भी आया हुआ है, बुक बता रही है ये नहीं बता रही, पर मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि तो थोड़ा सा अपडेट जो है वो इतनी नहीं है जितनी और बुकें हैं, पर हाँ बेटा कंपटीशन के लिए बहुत अच्छी बुक है। क्वेश्चन नंबर बेटा इसी का भाई है, 43 करते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। वो कह रहा है ठेकेदार ने कोई कार्य 38 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया, 30 व्यक्ति काम पर लगाए, बहुत अच्छी बात है, आमदन बराबर क्या करा 30 कर दिया। वो कह रहा है 25 दिन बाद 5 व्यक्ति और कार्य पर आ गए, M2 बराबर 35 हो गया, तथा कार्य नियत समय से 1 दिन पहले समाप्त हो गया। बेटा जी बहुत अच्छी बात है, ये बात आप ध्यान से समझ लोगे, T1 और T2, 38 दिन में ठेका लिया था, 25 दिन बाद घटना हुई तो 13 दिन बचे, क्लियर, बात समझ आ गई, 13 दिन बचे। और कह रहा कार्य नियत समय से 1 दिन पहले होगा, 13 में से 1 माइनस कर दो तो कार्य कितने दिन 12 दिन, 12 दिन में कर दिया। कब कर दिया, जब मैन पावर बढ़ेगी तो दिनों की संख्या क्या होगी घट जाएगी, जब मैन पावर बढ़ जाएगी तो दिनों की संख्या क्या हो जाएगी बेटा घट जाएगी। अब वो आपसे कह रहा है यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो नियत समय से कितने दिन बाद समाप्त होता, ठीक है बेटा। अब यहां से D1 ज्ञात कर लो, बहुत अच्छी बात है, तो 30 × D1 बराबर 35 × 12, 5 से काट लो 6 बार, 5 से 6 बार और 5 से 7 बार, 6 × 12 है, D1 बराबर 7 × 14 है, ठीक है बेटा। तो अब यहां कार्य कितने दिन में हो रहा था 13 दिन में, याद देखते रहो, कार्य कितने दिन में हो रहा था 13 दिन में, कब होता जब वे व्यक्ति जो थे वही लगे रहते तो कार्य 13 दिन में समाप्त हो जाता, और उसने क्या कर दिया और अतिरिक्त लगा दिया। वो कह रहा है यदि नहीं लगाता, यदि नहीं लगाता तो कार्य 1 दिन और बढ़ जाता, तो इसमें से क्या घटा दो बेटा 13 घटा दो तो क्या होगा 1 दिन एक्स्ट्रा लगता, 1 दिन अतिरिक्त लगता, क्लियर बेटा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, कहां सु बढ़िया वाले सुपर डुपर क्वेश्चन है, इसे ड्रॉप करता हूं, क्वेश्चन नंबर 44 पे चलता हूं बेटा, बहुत ही बढ़िया। 44 क्वेश्चन को देखो, 44 क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कर लिया आपने, कर दिया होगा 5 व्यक्ति, ठीक है भैया 5 है, 7 घंटे कार्य करते हुए 8 दिनों में, यदि इसी कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए M2 4 दिन में पूरा करने के लिए 2 व्यक्ति और शामिल किए जाए तो 7 हो गए, 2 व्यक्ति और शामिल किए जाए तो प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा, तो W2 तो इसमें क्या है दिया हुआ नहीं है, दोबारा समझ लो बेटा, 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक प्रवेश सूची 8 दिन में तैयार कर सकते हैं। वो कह रहा है यदि इसी कार्य को 4 दिन में पूरा करवाने के लिए 2 व्यक्ति और शामिल कर लिए जाए तो 5 थे, अब कितने हो गए 7 हो गए, तो
उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा? 7 से 7, 4 × 8, H2 बराबर आ गया बेटा 10 घंटे। क्लियर है? वगैरह कितने घंटे करना पड़ेगा? 10 घंटे करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर बेटा 45 सुपर डुपर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो पर। थोड़ा सा धैर्य रखिए, समझाने में टाइम तो लगता है, मैथ है, भागदौड़ से नहीं पढ़ा सकता और वैसे भी नहीं पढ़ा सकता कि बातचीत करके कि भाई बातचीत करो तो बच्चों से पढ़ाओ ना कुछ और कहेंगे लाइक करो शेयर करो लाइक करो शेयर करो और इतने लड़के चाहिए और इतने वो चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो नेचुरल है बेटा वो नेचुरल है। यदि आपकी समझ आ रहा है अच्छी बात, नहीं समझ आ रहा तो हम अपने में सुधार करेंगे, अपने को मॉडिफाई करेंगे, पर आप बताते तो नहीं हो कमेंट बॉक्स में, तो बिल्कुल नहीं बताते, लिख कर नहीं बताते। जिन बच्चों का व्हाट्सएप नंबर है कुछ ही बच्चे बता रहे हैं, बहुत कम बच्चे बता रहे हैं। ऐसा नहीं चाहिए था, मुझे विश्वास नहीं था कि हमारे जो सेंटर के बच्चे कोचिंग के बच्चे भी नहीं देख पा रहे। और जिस दिन ये कोचिंग सेंटर खुल जाएगा अपना शिव अकेडमी मोहाना में, तो बेटा उस दिन देखियो, उस दिन फिर क्या करोगे भैया, समझा दो दोबारा समझा दो और फीस भी दोगे। और फ्री की चीज नहीं ले रहे। चलो क्वेश्चन नंबर 45 पर आ जाओ। लाइक और शेयर तो आप कर ही देते हो, जो देख रहे हैं वो कर रहे हैं, जो देख नहीं रहे वो कर नहीं रहे, बहुत अच्छी बात है बेटा। क्वेश्चन नंबर 45 से अगला चैप्टर आएगा उसमें भी आएगा बेटा। वो कह रहे थे 4 आदमी तथा 6 महिला मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में सौंप करे, 4m + 6w कितने दिन में? 8 दिन में। बहुत बढ़िया। तो 3 men + 7 औरतें उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। वही कार्य है बेटा, यदि ये खेत की खुदाई होनी है तो खुदाई होनी, बधाई होनी, बधाई चल रही है, ठीक है, जुलाई चल रही, जुलाई में भारत में बधाई चल रहा तो बधाई चल रही। अगर 10 औरतें इसे कितने दिन में पूरा करेगी, मतलब औरतों से खेत की बधाई करवा रहा है अभिनीत। M2 = 10 औरतें, ठीक है भैया, ये क्वेश्चन कह रहा है, इस बच्चे का तो मैंने वैसे नाम लिख दिया। अगर 10 औरतें तो बेटा आप कार्य किससे कराना, आपको औरतों से कराना, ठीक है। तो यहां सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहां क्षमता देखनी होगी कि कौन किसके बराबर कितना कार्य करता है। क्लियर है बेटा? 38 में गुणा कर दो, 8 × 32m + 48w = 30m + 70w। अब बेटा एक्स में से एक्स ही घटेगा, आप समझ रहे हैं, एक्स परिवार एक अलग परिवार है, दूसरा अलग परिवार है, तो मैन में से मैन घटेगी, घटाऊंगा 32 में से 30 गए 2 मैन बराबर, 70 में से 48 गए 22w, 1 मैन बराबर 11 औरतें, 1 मैन उतना कार्य करता है जितनी 11 औरतें, ठीक है बेटा। क्वेश्चन ये कह रहा है, ऐसा दैनिक जीवन में है या नहीं है, पर क्वेश्चन ये कह रहा है। अब और कुछ से कार्य करना है तो कोई सी भी समीकरण में आप रख सकते हो, 11 × 44w + 6w = 50w, ठीक है बेटा। ये हुआ आपका M1 और D1 इसमें दिया हुआ है कितना, D1 कितना दिया बोलो, 8। D1 भी आ गया, M2 भी आ गया, तो बच्चा क्या D2, और ज्ञात करके बता दो। यहां देख लो, नहीं ज्ञात कर रहे तो मैं कर रहा हूं, 50w × 8 = 10w × D2, 10 × 50 = 8 × 40, 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
गांधी सी एग्जाम के लिए दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, ऐसा ही हो, कोई सा भी आपका एग्जाम हो, क्वेश्चन बीच बीच में ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे और 40, 41, 42, 43, 44 और 45 ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। इन्हें पढ़ लो, कई कई बार वीडियो को देख लो, आपको कोई दिक्कत नहीं होने की, कहीं कोचिंग लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप हमारे साथ जुड़ चुके तो हम भी आपके दिल से जुड़ गए बेटा आपके साथ। ठीक है बेटा, थैंक यू ऑल ऑफ यू।